11 टॉस जीते पहले फील्डिंग करने का फैसला भैया पैर है हमारा वीडियो ये कौन सा टेबल पर है सही है कल हो सही है कल कराओ भी ले लो ऐसे काट देंगे अरे क्या हुआ काट देंगे काटेंगे नहीं पब्लिक भी तो दिखानी है हाथ मैं भी खेल रहा था सेमीफाइनल नंबर 11 वर्सेस नाइस कवरेज आगे थी पहली बॉल पटनी ओवर थी पहली बॉल डॉट बॉल और जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो संजीव और नॉन स्ट्राइक रेट पे खड़े हैं आज निकल के आए आगे बढ़ी है लेकिन बॉल रोक नहीं पाए इसी के साथ टीम का खाता खोला 6 रन के साथ और संजीव ने अपना खाता खोला 6 रन के साथ संजीव भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए इससे फील्डर को दिक्कत होगी बहुत आसानी से ये पहला झटका लगा संजीव भाई के रूप में नाइस क्लब को पहला झटका लगता हुआ 6 रन के स्कोर पर मात्र अभी भी एक छक्का लगाया था और उसके तुरंत बाद ही अपना विकेट ले दिया सद्दाम भाई ने अपने पहले ही ओवर में पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को सद्दाम भाई विकेट के बाद एक बार फिर से तैयार राइट आर्म ओवर में विकेट छोटी देखिए बॉल को कट किया मेहता आलम ने डॉट बॉल इसी के साथ स्कोर बन गई अपनी 6 रन 1 विकेट और कमेटी के मेंबर जो भी जवाब सुनना है वो लेफ्ट साइड और ऑफ साइड में और एक बार फिर से ओवर समाप्त पहले ओवर की समाप्ति पर नाइस क्लब रिश्वा का स्कोर है 12 रन 1 विकेट और ओवर थ्रो का एक और रन छुड़ा लिया है दो रन मिले मैच का आपको भुगतना पड़ सकता है एक बार फिर से थ्रो करने की कोशिश की थी बॉल डॉट हुई पहले बॉल पे एक चांस करते हुए ड्रॉ कर ले बॉल पूरी तरीके से चूक गए एमडी नमो की अपील थी लेकिन अंपायर ने उसको आसानी से नकार दिया एक ओवर डॉट अनुभव स्पोर्ट्स क्लब पर रिपीट टेली कार्ड देख सकते हैं आपको नजर आएगा और किसी को लाइव स्कोरिंग देखनी हो तो स्टम्प्स ऐप पर नोट करें और उससे हमारे साथ जुड़े उसमें आपको एक चांस भी क्रिएट किया था एक बार फिर से स्लोअर बिन बॉल थी उसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए तस्लीम दे के एक बार फिर से बॉल डॉट ओवर की अंतिम बॉल तस्लीम दी गई फाइनल में एम्पायर का डिसीजन वाइट बॉल पहला रन एक्स्ट्रा का आता हुआ वाइट के रूप में और स्कोर पहुंचा 15 रन 1 विकेट धीरे धीरे एक रन चुराया और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दो ओवर की समाप्ति पर नाइट का मैच 16 रन 1 विकेट
सद्दाम भाई दोबारा आए हैं अपना ओवर लेकर। सद्दाम भाई तीन बॉल तो मैं भी चला रहा हूँ। लगातार फायदा उठाया तस्लीम जी के लिए, जैसे कि मैं आपसे फिक्र कर रहा था कि तस्लीम जी जो कुछ पाकिस्तान पे जब इनका बल्ला चलता है तो माशाल्लाह क्या हम चलता है बल्ला इनका। पहला छक्का लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए और स्कोर बढ़ाया, स्कोर पहुंचे एक पॉइंट से एक बार से बहुत ही अच्छी बात है। सद्दाम भाई द्वारा बहुत ही चैलेंज को मीट किया एक बार फिर से। एम्पायर का मानना नो बॉल के लिए एक बल्ला घुमाने का लाइसेंस कॉपी पे चढ़ी हुई है। एक और एक्स्ट्रा का रन फाइनल हुआ था तस्लीम जी को उठाकर मारा अपने एक का फायदा उठाने के लिए और बहुत ही अच्छे से एक का फायदा उठाया। तीस रन अभी तीन ओवर समाप्त नहीं हुए हैं और 30 रन हो चुके हैं। 12 की तरह ठंडे बड़े बड़े देखने को मिले हैं हमें। एक बार फिर से उठाकर मारा और एक और झटका लगता हुआ नाइस क्लब अच्छा को एक और झटका। और मैं आप सभी दर्शकों को और प्लेयर्स को बताना चाहूंगा कि फाइनल कल होगा, फाइनल कल नहीं। अब आए बाबू धीरे धीरे पहली बार पे सलामी की अच्छे बार आने सद्दाम भाई पहली बार दौड़ दौर बाबू धीरे धीरे सद्दाम भाई लंबी फेंकी हुई गेंद थी मेरा की तरफ से उठाकर मानना चाहते थे लेकिन एक मिनट ले पाए उसका तीन ओवर की समाप्ति पर नाइस क्लब अच्छा का स्कोर पर ले 31 रन 2 विकेट। एक बार फिर से साहिब और उसके बाद एक पॉइंट करण एक बार फिर से साहिब तैयार बाबू धूम तरीके से चूक गए खेल नहीं पाए उस बॉल को जिनकी सिल्वर बन गई बहुत ही बॉल जो है 128 की गति से देखते हैं और ये मैं देखना चाहूंगा एक बार का डिसीजन चार रन बाबू के मैच से पहले तो फिर से तैयार सिल्वर वन बॉल वाइट बॉल पिछला इन बॉल थी वाइट बॉल बाबू भाई चार ओवर की समाप्ति पर नाइस क्लब रिचा का स्कोर 41 रन 2 विकेट। सामने मेहताब साइड एक जगह और एक रन लिया स्ट्राइक पर वापस लाए हैं बाबू को जिन्होंने एक चौका एक छक्का लगाया है। अगले भी मिड ऑन की तरफ भेजा योर लेंथ बॉल थी उसको पढ़ नहीं पाए ठीक तरीके से बाबू एक और बॉल शॉट पर बॉल उठा ले एक और सही बॉल एक और वाइड वाइड एक्स्ट्रा का ये छठा रन था 6 रन दे चुके हैं अभी तक नूर अलेवन बरेली के बॉल उठवा दे कमेटी के मेंबर एक बार फिर से बॉले चार बॉल उठाने गए बॉल उठाने गए तैयार धीरे धीरे छोटे छोटे कर
बल्ले से पिछले दो मैच में मैंने इनको देखा था लगातार दोनों बार ने स्कोर किया था, लेकिन अब पांचवा ओवर की लास्ट बॉल, नो बॉल थ्री हिट मतलब मालिक का पूरा लाइन सही है, पूरे तरीके से फायदा नहीं उठा पाया, बढ़ाने की भी कोशिश और अभी अभी मेरे पास एक इनाम आया फिर से तैयार, और ये जो भूमि के पास बंदे खड़े हैं अंपायर सैफाई इनको हटा दे एक बार फिर से उठाकर मारा था शॉट फील्डर चीज ने, बहुत ही अच्छी बहुत ही उम्दा फील्डिंग, थोड़ी 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, अब यहाँ से छक्के लगाते हैं तो हर छक्के में 50 रुपए वसीम भाई की तरफ से, एक बार फिर से साहिर व्हाइट बॉल एक और रन करता हुआ नाइस कलर देखा 60 रन, अभी 6 ओवर पूरे नहीं हुए हैं और 60 रन रोड पर लग चुके हैं, हमें 3 छक्के और 1 चौका देखने को मिला, एक बार फिर से सुरवर बंदी उसको भी नहीं पड़ पाए 1 रन चुराया, और ये जो पीछे खड़े हैं यार वहां से हट जाए भाई, वहां से हट जाओ भाई, बार बार कहना पड़ रहा है यहाँ से वहां से हट जाओ, और ये मैं अगर ये नहीं हट रहे हैं तो मैं तो रुको यार एम्पायर मैं तो रुको, मैच स्टार्ट एक और 6 ओवर की समाप्ति पर नाइस रन दिखा का स्कोर 63 रन 2 विकेट और बहुत ही अच्छे से 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए, जो फील्डर है मैं भाई उनका नाम जानना चाहूंगा, अहमद भाई तैयार धीरे धीरे बढ़ते हुए डाउन द ग्राउंड मारा हुआ ये शॉट बाबू के द्वारा उसको फील्डर ने फील्ड किया चमत्कार धीरे धीरे, और ये क्या बॉल थी बहुत ही खतरनाक बॉल थी, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं क्लीन बोल्ड नेता वालम क्लीन बोल्ड साझेदारी को तोड़ा सा अपने, अच्छी चल रही थी साझेदारी, अब बैट्समैन आए हैं उन्हें उठता है एक और झटका लगता हुआ और वसीम भाई जो आपने ये नाम दिया से आए हैं बंटी अपना छोटे का 3rd ओवर लेकर और पारी का 8वां ओवर लेकर, बाबू नाइस क्लब रिछा के जो प्लेयर हैं जो अभी अभी आउट होकर गए हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं, उजैर भाई ने उनको बुलाया है बाबू
एक बार फिर से तैयार सिंगल लेके स्ट्राइक होके करना चाहते थे लेकिन थोड़ी डरवा दी पढ़ नहीं पाए पूरी तरीके से ताजे एक और बॉल डॉट होते हुए मात्र 13 बॉल शेष है इस इनिंग में बॉल अंतिम बॉल धीरे धीरे बढ़ते हुए और ओवर समाप्त ओवर समाप्त 8 ओवर की समाप्ति पर नाइस क्लब रिछा का स्कोर है 68 रन 4 विकेट। नाइस क्लब रिछा का जो स्कोर है वो है 68 रन 4 विकेट 8 ओवर की समाप्ति नहीं आई है 21 बॉलों से एक बार फिर से तीसरा विकेट मिलता हुआ समर्थ को तीसरा विकेट 8 बोले 8 रन में की है समर्थ ने और 3 रन दिए हैं और 3 विकेट लिए हैं। फाइव बॉल किसी के साथ एक और रन बढ़ता हुआ नाइस क्लब रिछा का ओवर चौथी बॉल मिडल दिया धीरे से एक रन छुड़ाया अब वापस स्ट्राइक पर आए हैं मेजा एम्पायर का मानना नॉट आउट 2 रन कंप्लीट किए अजीम ने 9 ओवर की समाप्ति पर नाइट क्लब रिछा का स्कोर 79 रन 5 विकेट फुट लेंथ बॉल पढ़ नहीं पाए पूरी तरीके से डॉट बॉल अजीम के हरे झटके पर हमारे की तरफ से 100 रन हो गए200 रुपए और चार बॉल हो गए लेडियों ने कितनी दो घंटे में मैच करा लगातार थोड़ा वो हल्का हुआ थोड़ा भारी में प्लास्टिक का एल्युमिनियम अपने पहले ओवर का पहली गेंद एक में जाना है और ये पहली गेंद पर बहुत बढ़िया शॉट और ये यहाँ पर
रन मिलेगा। बॉलर ने बता दे एक बार, फिलहाल भाई आए हैं ओपनिंग पेयर में, पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक पर बचाया और दूसरी बॉल पर सताप भाई ने एक शॉट उठाकर मारा। और मैं एम्पायर का डिसीजन देखना चाहूंगा, एम्पायर डिसीजन। चार रन, पहली बॉल पर सताप भाई ने एक चौका लगाकर साफ साफ पब्लिक को और अपोजिशन टीम को बता दिया है कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ। और बैट्समैन को भी दिक्कत है, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे पूरी तरीके से नाकाम रहे। डॉट बॉल स्ट्राइक पर है, बहुत दूर भेजना चाहते थे बॉल को लेकिन नहीं भेज पाए। स्ट्राइक रोकेट की एक रन लेकर नॉन स्ट्राइक लाइन पर पहुंचे और स्ट्राइक पर लाए हैं। एक बार फिर से धारावाहिक करना चाहते थे उसको, तीन बॉल थी वाइड बॉल, एक और रन बढ़ता हुआ नूर 11 बरेली का, सात रन बिना किसी नुकसान, चार बॉल हुई है और एक्स्ट्रा का एक रन दिया जो है रिक्वायर्ड रन रेट 9.8 शून्य की है और जो करंट रन रेट है वो 10.5। एक बार फिर से लारावाई तैयार, मिड ऑफ की तरफ उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बॉल ग्राउंड में ही रही और फील्डर ने उसको फील्ड किया, उठाकर नहीं मार पाए, एक नहीं मिला है हमें दूसरी पारी का। ये प्ले उठाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से एक बॉल डॉट और एक ओवर की समाप्ति पर नूर 11 बरेली का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान, को जीता और अपनी फाइनल में जगह पक्की की। एक बार फिर से रिवर्स में बॉल ही रह गई, पूरी तरीके से चूक गए। एक बार फिर से तैयार, छोटी बॉल स्लो और वन बॉल सताम भाई उसको ठीक से पढ़ नहीं पाए। एक बार फिर से वाइट बॉल, इस बॉल को बाहर भी भेज सकते थे सताम भाई, एक बार फिर से रिवर्स से मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से नाकाम रहे। तीन अटेम्प्ट और तीन ओवर थे, तीन अटेम्प्ट कर चुके हैं और तीन ओवर ग्राउंड में चल रही है, ये बाइकों का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। नकार दिया। एक और डॉट बॉल, अलग अलग से अलग अलग भाज गए नहीं
फिर गाली सुना दी है अभी तो जारी पीछे इतनी जल्दी लाए क्रिकेट का पूरा मजा कर दिया ओवर की 5 बॉल हो चुकी है, 1 घंटा लग चुका है सद्दाम भाई के रूप में और एक बार फिर से तैयार सामने है बीरा दरकार अभी भी
एक बार फिर से तायर भाई तैयार और भागर मानना चाहते थे बंटी जो कि अभी अभी स्ट्राइक पर आए हैं। बॉल डॉट पहली बॉल वाइट थी, पिच की नमी के कारण एक बार फिर से उठाकर मानना चाहते थे बंटी फिर से बहुत ही बड़ा विकेट। शुक्रिया आफीज भाई, जरूरत रहा नहीं मैं। एक बार फिर से आए हैं भाई तैयार नहीं कर पाए। सॉरी आपका मोबाइल अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा मोबाइल बॉल काम नगर के ला रहा, इसको भी पुल करना चाहते थे, उठाकर मारना चाहते थे। नेक्स्ट हम जाने एक रन लिया, स्ट्राइक अपने पास रख लेंगे ला रहा भाई। चार ओवर की समाप्ति के बाद 11 पर इनका का स्कोर पहुंचा 34 3 विकेट। तैयार खड़ी होगी। एक और रन लिया, रन में इजाफा, रन पहुंचे 35 रन तथा एक बार फिर से नमाज भाई तैयार उठाकर मारा। फील्डर नीचे है लेकिन फील्डर बन के रह गए दर्शक, फील्डर बन के रह गए दर्शक। एम्पायर का मैं डिसीजन जानना चाहूंगा, एम्पायर डिसीजन, एम्पायर डिसीजन। चार रन बाद फिर से नवाज भाई तैयार, सामना करेंगे अपनी फिर से हेलीकॉप्टर, छोटा सा हेलीकॉप्टर था ये, अलॉन्ग द ग्राउंड हेलीकॉप्टर गया था। दो रन चौराने की कोशिश की थी लेकिन उसको नकारा और डायरेक्ट हेड। एक बार फिर से ओवर थ्रो, दो रन ले चुके हैं। इसी के साथ पूरे 11 पर इनका स्कोर पहुंचे 40 रन। बॉले चार रहना होगा और यही मैच नाइट क्लब इंडिया को जीतना है तो इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर से गेंद छूटा, कीपर गेंद मौका था, चांस बना था लेकिन कीपर क्लोज थे, इसी चक्कर में शायद थोड़ा देते हैं भाई। अपने कोटे की अंतिम बॉल में एक और विकेट निकाल कर दिया नवाज भाई ने और 5वां झटका लगता हुआ न्यू 11 बने। इस मैच में हर विकेट पर नासिर बारडाना स्टोर की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नहीं भाई गुगली पहली बॉल नहीं भाई की, मैंने इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा देखा है, पहली बॉल है लेकिन इस बार को ज्यादा सिस्टम की अपील, एम्पायर टेस्टेड नहीं है, बॉल बाइट
स्कोर पहुंचा 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही टीमें कभी भी किसी भी टाइम इस मैच को जीत सकती है। दो रन चुराने की कोशिश, लेकिन फील्डर हमारे मेहताब आलम जो कि बहुत चुस्त तंदुरुस्त नहीं बॉल सामना करेंगे। और ये क्या एक बार फिर से मुझे बताएंगे टीम की एंट्री पर तो लैम नहीं और स्कोर हुआ पूरे 50 रन, 26 बॉलों में 48 रन की दरकार। अभी भी इस मैच में कुछ भी हो सकता है, दोनों ही टीमें धरने टीमें हैं, मैं आपको हर बार बताना ऊपर से निकलेंगे छक्का और 6 ओवर की समाप्ति पर 50 रन, 5 विकेट, 40 रनों की दरकार है। स्ट्राइक पर है सौरभ, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, 1 रन लिया, स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइक पर हम पहुंचे हैं आतिफ जो कि 6 बॉलों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक झंडे की मदद मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं। एक बार फिर से बॉल फेंकी, अच्छी बॉल बैटिंग और शॉर्ट बॉल टायर भाई द्वारा उठाकर मारा शॉट और ये तब्दील किया और एक और झटका लगता हुआ छठा झटका लगा और झटका लगा कोल्ड ड्रिंक न्यू बैच पहले पल्ली और ये जो लेग स्टंप पे जो लोग बैठे हैं ये थोड़ा थोड़ा यार पीछे हो जाए, सारे के सारे आप लोग अंदर हैं। सात ओवर की समाप्ति पर 9-11 बने का स्कोर, 51 रन, 6 विकेट, 18 बॉलों में 47 रन की दरकार। क्या हुआ जा रहे और नईम भाई ने पहला विकेट लिया और 100 रुपए के हथियार हुए की तरफ से जो आपका इनाम आया है मेरे पास है वो कलेक्ट कर ले नहीं भाई को भी। न्यू बैट्समैन ने राहिल ओके राहिल उठाकर मारा है लेफ्ट साइड की तरफ लंबा है, मुझे लगता है मैच में कुछ होने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है इस मैच में। पहली बॉल पर राहिल भाई का एक प्यारा लंबा झटका, नहीं भाई ये बात मैं तैयार है और 6 रन 6 रन 9 बॉल के साथ साथ 6 रन 16 बॉलों में 34 रन की दरकार। एकदम से मैच ही बदल डाला, कहां थे आप राहिल पहले से, पहले ही आ जाते तो ये नौबत ही ना आती। 16 बॉलों में 34 रन, एक ही बॉल पर पूरा का पूरा मैच ही बदल डाला, पूरा का पूरा मैच ही बदल गया एक ही बॉल में। हर बॉल के बाद अगर विकेट गिरता है तब भी बीमार होता है और छक्का लगता है तब भी बीमार होता है। दोनों ही टीमें क्या सोच रही है भाई, आप लोगों को भी घर जाना है, हमें भी घर जाना है,
और बल्ला घुमाने का पूरा मौका, बल्ला घुमाया, दो बॉलिंग खेली, दोनों पे लंबे झटके लगाए, फिर एक का सामना करेंगे राहिल, फिर से राहिल करा दी स्कोर पहुंचा 11 का 71 रन 7 विकेट 12 बॉलों में 27 रन की दरकार है। अगर राहिल स्ट्राइक पर है तो कुछ भी संभव है। राहिल अगर टिके रहेंगे घुमा गड़वा नचाते थे लेकिन दिशाई बॉल भी वाइट और एक रन एक्स्ट्रा का भी चुराया, ओवर के ऊपर भी रन चुरा लिया है और इसी के साथ बिना बॉल के 2 रन हो चुके हैं। बिना बॉल के 22 रन, अब 12 बॉलों में 25 रन की दरकार, 12.5 का रिक्वायरमेंट रेट, करंट रन रेट जो चलता हुआ वो 9 पॉइंट है स्ट्राइक पर। टायर भाई की अगली बॉल, लेग भाई का एक रन चुरा लिया, एक रन लेग भाई का चुरा लिया, धीरे से आंखों ही आंखों में और ये जो 12वां फील्डर अंदर घूम रहा है इसको बाहर कर दें। हो सकता है यार, आप लोगों को भी समझना चाहिए ये बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइए क्या होगा इसमें। थोड़ा थोड़ा भाई पीछे हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा यार अगर थोड़ा आप पीछे हो जाएंगे। एक बार फिर से तैयार, बहुत बड़ा कितना भी लड़ ले किस्मत से ऐसा लग रहा था कि अपनी बात फिर से ताहिर भाई ने बहुत ही किफायती बॉलिंग की है, 2.2 ओवर में 8 रन लिए हैं और 3 विकेट ले चुके हैं। और स्ट्राइक पर वापस बल्ली, अरे यार मैच रोक दो, मैं बार बार कह रहा हूँ इनको हटा दो, अभी रोक लो, अगर ये नहीं हटते हैं तो रोक लो, 3 बोले हुए भाई, जब तक ये नहीं हटते हैं मैच रोक लो यार, मैच ही मत कराओ आप। बल्ली है अभी स्ट्राइक पर, हो सकता है अभी इस मैच में कुछ भी, 8 गेंदों में 17 रन चाहिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मैच में, कुछ भी हो सकता है मैच में, कुछ भी, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमें धुरंधर टीमें हैं। दोनों मारा को फील्ड किया, 2 रन चुराने की कोशिश की लेकिन एक रन ले पाए, अब 7 गेंदों में 16 रन की दरकार है। ये मैच कश्मकश में, दोनों ही टीमें
क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। 7 गेंदों में करूंगा कि वो बची न जाए, ग्राउंड पर बनी रहे और मैच देखती रहे। धीरे धीरे एक बार फिर से ताहिर भाई बढ़ते हुए अभी बहुत जल्दी पर मारा है, बहुत हाई प्रेशर लगा था। Let's go.
दिखाओ यार दिखाओ, मना कर तो दिया ना। एक रन लिया बल समझने दो बोलों में मात्र छह रन की दरकार है। मैं क्या को साथ में हूँ यार, खाली को चोट कर रहा हूँ। जवान चुप जा। और ये लास्ट विकेट भी है, या तो एक हिट या फिर एक विकेट, एक हिट या फिर एक विकेट, दोनों एक ही, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सारी नींद उड़ गई। ऐसे मैच जितनी मजा आ रहा है कांटे के टाइम में, कांटे में मैच होता है रुद्रपुर और इंडिया बरेली का, दो बोलो छह की जरूरत है।